हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक हो। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन मोमो, फ्राई मोमो, चिकन फ्राई मोमो। हमें इतना खाएगा आप तो नहीं दे रहे? नहीं, पूरा फ्राई नहीं कर रहे ना, आधा करेगा ना। तो बनाएंगे चिकन चिल्ली फ्राइड मोमो, वो भी मेरा अपना रेसिपी। तो मेरे पास है ये पत्ता गोभी और ये ऑनियन, और अभी चिकन नहीं लाया, मम्मी लेकर आएगा चिकन। मम्मी की माँ करके लेके आए हैं वहीं से। काटेंगे पत्ता गोभी को, पहले हम चॉप करेंगे। लास्ट टाइम आप लोग ने देखा होगा वो चीज़ी मोमो में मैंने ग्लास से चॉप किया था, लेकिन इस बार मैं ग्लास से नहीं करूँगी, इस बार मशीन से। मशीन किसे रे, तो पूरा सूख गया ये पत्ता गोभी, तो पूरा फेंकना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे छोटा छोटा पीस करेंगे इसमें, इसमें करेंगे चॉप। मैम इतना बड़ा बड़ा दाना सोचेगा होगा अच्छे से? होगा तो क्या है, तो तान भाई नहीं ज्यादा हो गया। मेरा हाथ कब जाएगा होगा, तेरी लग रही क्या, इसे निकालना पड़ रहा फिर से। इसको तो खींचते खींचते मेरा हाथ ही नहीं तान दे मम्मी, क्या ऐसे फालतू है। प्याज काट के ऐसे ही होते, प्याज काट के बनना लाइक टू फिल्म था ना, प्याज काट के बनना लाइक फिल्म देखा आप हमने, क्या होता है उसका नाम, प्याज और पत्ता गोभी काट के हमारा कीमा भी रेडी हो गया। रेडी पूरा नहीं हुआ है अभी, बहुत पतला बहुत छोटा है अभी। इसमें और चिकन मिक्स करना है, फिर तेल गरम करके डालना है, फिर नमक डालना है। मेरे पास गेम है अपडेट में, फ्री फायर आया और माइनक्राफ्ट। मेरे पास है, मैंने देखा मेरे पास नहीं है। जिनमें बोलते हैं हमने देख लिया, मेरे पास हाँ खेलते है ना, है मान लिया। ओके जो कौन से खेलेगा, हम किसे चालू है मालूम ना। और ये रहा हमारा चिकन का कीमा, क्या कितना रुपए का ये? 100 रुपए का पहुंचे, आराम से पहुंचे क्या, हम ये बता देंगे। 100 रुपए में मारते तो कहाँ से आएगा? 100 रुपए इसे मिक्स करेंगे। मम्मी हमें डाली तो कुछ तो नहीं लाऊंगा उसका, होगा वाटर बोतल। पानी निकल रहा है, क्यों लग रहा है? अच्छा मेरे यहाँ काटा लग लग रहा है। नमक डाल दिया अभी हम, ये इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज मसाला, वीजिन बोलते हैं, वीजिन। इसमें ज़्यादा पत्ता गोभी और प्याज से ज़्यादा इसमें चिकन ही दिखाई दे रहा है। ज़्यादा नहीं हो गया? तो तेल गर्म हो चुका है, हम डालेंगे यहाँ पे। डाले तो मैं आता है
ने ये पानी बिठा दिया है और इसमें अंकल ने इतना थोड़ा सा हड्डी दिया है जो हम इसमें डालेंगे सूप के लिए। कब कपड़ा करें? रिचर्ड पापड़। मम्मी पापड़ को फ्राई करके प्लास्टिक में रखते हैं। आप लोग घर पर भी ऐसे ही पता नहीं। मेरा मोमो बहुत छोटा छोटा होता है इसलिए मेरा गोल भी छोटा है क्योंकि छोटा ही मोमो पसंद है मुझे। आदमी भी छोटा मोमो भी देखे ना ये ठीक है भाई जी पूरी बनाएगा जैसे थोड़ी पूरी है इतना बड़ा बड़ा है हमने इतना छोटा छोटा बनाया था इसलिए तो वो होता है तो कौन कर दो ये एक ये दो ये तीन ये मेरा मोमो का डिजाइन कितना छोटा छोटा कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। इससे हम 45 मिनट्स रखेंगे मिलते हैं मोमो पकने के बाद। ओके तो ये मोमो पक चुका है अब हम इसे निकालेंगे। ओके तो मैंने इसे निकाल लिया है अब मैं फ्राई करूँगी अलग से मोमो को। तो फ्राई मोमो के लिए मैं अलग से निकाल लूँगी पहले थोड़ा। मुझे बहुत पसंद है फ्राई मोमो मेरा फेवरेट है बहुत दिन से फ्राई मोमो नहीं खाया। ओके तो ये स्टीम मोमो बाकी लोग के लिए तो मैं ये फ्राई करूँगी इतना मोमो क्योंकि मुझे फ्राई मोमो खाना है और फ्राई में इसे थोड़ा ग्रेवी मतलब चिल्ली फ्राई करूँगी। ये मेरा तेल गर्म हो चुका अब शायद गर्म हो चुका है अब मैं मोमो को डाल दूँगी। तो ये फ्राइड मोमो रेडी है अब हम करेंगे पहले ये फ्राई। थोड़ा सा हल्का ग्रेवी टाइप से बनाना है। चलो चलो हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी मोमो में है तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्का सा सोया सॉस। और मैं डालूंगी इसमें जो चिली जो मम्मी ने चटनी बनाया थोड़ा सा स्पाइसी चिली इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर टमेटो सॉस मिक्स करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इतना सा। मैंने थोड़ा सा टमेटो सॉस को मिक्स किया है क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी ना लगे मुझे खाने में। ये रेडी हो चुका है अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये मोमो इसे इसे बनाकर मिक्स करेंगे रेडी है। तो ये रहा मेरा चिकन फ्राई चिली मोमो। सो पता नहीं खाने में कैसा है मैं खा कर बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे हमारा स्टीम मोमो स्टीम नहीं बोलते स्टीम मोमो और ये चिकन क्या है जो भी है चटनी और ये सूप। कौन ज्यादा खा पाएगा वो चेंज करेगा तुम ही खाएगा कैसे बाबू बेटो बोला ना ये वाला मोमो खाएगा ये वाला नहीं खाने से ना हमें
चटनी चाहिए तुमको? नहीं है क्या है यार, तुम डाल लेते हो उसके भराई मम्मी ने से। हाँ 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 कैसे टेस्टी है? नहीं मैं आलस पकी होगी मेरे को। टेस्टी है कि नहीं बोलो डाले? हाँ टेस्टी है। टेस्टी है। दादा को दौड़ हो दिया, हमको सिर्फ एक छो, हमको भी और छो। हाउसी है उधर कमती कमती करे खाला ना नहीं एक एक दिन खाना आना एक दिन उसमें बन ग्राम पर आम देना वीडियो में कौन कैसी है लास्ट सूप में तो नमक ही नहीं डाला आने तो कोई भी नहीं खाया बोला तो इसलिए हमने काम की फ्राई किया तो बाप रे हम खाया बोला तो मैं भी नहीं खाया बोला हाँ ते दो ही तो खाया हम तो खाया ते खाया ना आराम से बैठ आराम से क्या चालक मत करो यहाँ बैठ खाओ खाया ही नहीं है खाओ खत्म हो गया तो और पिया कैसा लगा सुपिया ये लोग नहीं पी जाओ तुम पिया चाले हम जीत गए जीत गया ऐसे ही है वो एकला खा रहा है एकला चैलेंज रखा एकला जीत गया बोलते किसी ने उसके साथ चैलेंज ही नहीं रखा खाने में तो खाना में हम भी फास्ट खाया ना तो क्या दादा है वो ऐसे देखो तो राजी हमने ये भी पी लिया था टेस्टी कौन किस किस को टेस्टी लगा बोलो जल्दी टेस्ट लगा माँ को लग गया तो माँ बोलते टेस्टी लगा इस लाड़ ऊपर से इधर खास वाला टेस्ट वाला ये फ्राई मोमो टेस्ट आता ना ये सब किस है को दूर जाना ले फ्राई मोमो तक हम की तो कुंबू मम्मी का काम मम्मी का तो जब भी कुंबू तीन आवर बन गया खानु सक्दैन खाने चिज टेस्टी वाला चिज पनि खानु सक्दैन क्या भगाओ का ठंडा तो मौसम बिग्रियो भने म कम ठंडा हैन अब गरम हुन्छ अलि दिन बाद ठंडा कपडा पहिने नि मिलेको लाग्छ हाम्रो त इस वर्ष त ज्याकेट लौ यसै हो नि मेरो ज्याकेट लौ पहिने नि मिलेको लाग्छ ठंडा राम्रो भयो पहिला त फाटा भएन नयाँ किन्नु त परेन नयाँ किनेको छैन नि त पहिलाकै पुरानै ठिकै त भयो कहाँ ज्याकेट पहिने गा जाडो भएको भए पुरानो म त ज्याकेट लगाएर चित्त बुझ्दैन हो नयाँ किन्नु मन लागिहाल्थ्यो होइन भने त एउटा दुइटा भए पनि किन्नु मन लागिहाल्छ मैले पहिलाको पालि किनेको दुइटा कि कति हुन्छ लगाएको पनि छुइनँ अब दार्जिलिङतिर जानुपर्छ छैन अरे दिनमा कस्तो घाम लाग्छ अरे कस्तो लाग्यो खापी के मस्त बोतल पनि खाली बनाए हो उयो के भन्छ भाँडा पनि खाली भयो भाँडा सोर्सारे भएको अरे नि त त्यो पनि यसो हेरेको अनि के गर्दै हुनुहुन्छ बाहिर भन नानी दिन टाइम पनि भइसक्यो पसौँ कि नपसौँ हुँदै पसेको त मेरो भाग्यले मोमो बाटोमा नि यादै गरेको थिइनँ
ओके सो आप लोगों को आज का रेसिपी कैसा लगा बताना कमेंट्स करके। ये मेरा अपना रेसिपी था मैले पहिला पनि घर बनाउँथे ल म मैले चाहिँ देखिनँ कस्तो थियो चाख्नु पनि पाएँ टमाटरको मैले मम्मीलाई सोधेको मम्मीले खानु पनि नफरायो भन्नु है अनि बाबुले चाहिँ खाम त खाएर भने अनि मैले धेरै फ्राई गरेर आजकै मात्रै फ्राई गरेर दुईजना नै खातौँ मुखै उयो भयो टिम्बुले ओके सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लग पे बाय बाय बाँकीमा फेरि मन पर्दैन मलाई ये बाय बाय करिमन ये कौन साफ करेगा अभी खाने के बाद ये मेरा ही काम है मैं ही करना है इसे मुझे ही करना है बाय बाय गाइस।